Hello friends, welcome to Petrita's English Academy. My name is Kiran and today I'm going to discuss with you the part 2 of lesson 1. In the lesson 1, we discussed that what is a sentence, what are its types and what are the different parts of a sentence. आज की हमारी वीडियो में हम सेंटेंस का जो एक पार्ट था प्रेडिकेट उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. हमारी लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था दैट देयर आर टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेडिकेट इन डिटेल. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज अ प्रेडिकेट? अ सिंपल प्रेडिकेट इज अ वर्ड दैट शोज द एक्शन इन अ सेंटेंस. It is used to tell you what the subject of the sentence does. That means predicate वो होता है जो हमें ये बताए कि subject जो है वो क्या action perform कर रहा है. ये हमने last video में जो है समझा था. इसके examples हैं, she danced, Radhika enjoys cooking, the cat slept on the bed. जो भी letters red में हैं they all are predicate. आज हम discuss करेंगे इसके parts और इसके टाइप्स. द फर्स्ट वन इज पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट. इट हैज टू पार्ट्स, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. व्हाट इज अ वर्ब? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज सम काइंड ऑफ एक्शन सच एज थिंकिंग, सेइंग, फीलिंग एटसेट्रा परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट. अब कोई भी इस तरह के एक्शंस जैसे कि सोचना, बोलना, कुछ परफॉर्म करना, ये जो भी एक्शंस सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे उसे हम वर्ब कहते हैं. एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, ही इज राइटिंग अ पोएम. अब यहां पर राइटिंग जो है वो एक्शन है, एक लिखा जा रहा है, कोई पोएम लिख रहा है, फाइन. तो ये हमारा वर्ब होगा. सेकेंड एग्जाम्पल में दे आर प्लेइंग फुटबॉल. अब जो प्लेइंग है दैट इज एन एक्शन. वो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, फाइन. तो एक्शन हमारा प्लेइंग है, दैट इज व्हाई इट इज द वर्ब हियर. सेकेंड पार्ट जो है दैट इज ऑब्जेक्ट. एंड ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और अ थिंग इन अ सेंटेंस व्हिच इज एक्टेड अपॉन. सेंटेंस का वो पार्ट जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जाएगा उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. अब देखिए काफी आसान है इन तीनों पार्ट्स को याद रखना. सब्जेक्ट क्या था जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, जो एक्शन परफॉर्म करेगा. एक्शन जो है वो वर्ब होगा और जिसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, फाइन. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, शी इज राइटिंग अ लेटर. अब यहां पर शी जो है सब्जेक्ट है, राइट राइटिंग क्या है, वर्ब है हमारा. और ये एक्शन किस चीज पर परफॉर्म हो रहा है, लेटर पे. सो लेटर इज आवर ऑब्जेक्ट, फाइन. सेकेंड एग्जाम्पल इज ही इज रिपेयरिंग हिज लैपटॉप. अब यहां पर रिपेयर किस चीज की हो रही है, लैपटॉप की. सो लैपटॉप हियर इज आवर ऑब्जेक्ट. सो दिस वाज ऑल ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट. हियर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट. द फर्स्ट इज सिंपल एंड द सेकेंड इज कंपाउंड. व्हाट इज अ सिंपल प्रेडिकेट? इट इज द मेन वर्ब ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज. अगर सिंपल शब्दों में मैं कहूं, जो सिंपल प्रेडिकेट है वो सिंपल एक वर्ब है जो कि ये बता रही है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है. एग्जाम्पल इज आई वॉक टू द मार्केट. मैं मार्केट तक चलकर गया, फाइन. वॉक जो है हमारा वर्ब है और ये हमारा सिंपल प्रेडिकेट का सेंटेंस है. नाउ कम्स द कंपाउंड प्रेडिकेट. इट कंटेन्स मोर देन वन वर्ब जॉइंड बाय अ कंजंक्शन. नाउ व्हाट इज अ कंजंक्शन? कंजंक्शन वो होता है जो कि दो डिफरेंट सेंटेंसेस को, वर्ब्स को आपस में कनेक्ट करे. आपको फिलहाल के लिए कंजंक्शन की जो इतनी इंफॉर्मेशन है दैट इज अनफ फॉर डूइंग द टॉपिक ऑफ प्रेडिकेट. जो वर्ब और कंजंक्शन का टॉपिक है ये मैं कमिंग वीडियोस में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर. सो आई विल डिस्कस बोथ द थिंग्स वन बाय वन इन डिटेल विद यू. सो यू डू नॉट हैव टू पैनिक अबाउट दिस. फॉर द टाइम के लिए जो कंजंक्शन की इतनी इन्फॉर्मेशन है दैट कंजंक्शन होता क्या है दैट इज अनफ बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर मेनली फोकसिंग ऑन प्रेडिकेट, फाइन. सो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, कंपाउंड प्रेडिकेट. इट कंटेन्स मोर देन वन वर्ब. इसमें दो से एक से ज्यादा वर्ब्स होते हैं और उन्हें ज्वाइन किया जाता है कंजंक्शन से. एग्जाम्पल ले लेते हैं, अनु कुक द ब्रेकफास्ट एंड वॉश द डिशेस. अब यहां पर कुक्ड और वॉश जो है मैंने रेड में लिखा है,
ये दोनों हमारे वर्ब्स हैं और जो ग्रीन में लिखा हुआ है वर्ड एंड दैट इज आवर कंजंक्शन. सेकेंड सेंटेंस हम ले लेते हैं, आई रीहीटेड माई कॉफी बट वॉज अनेबल टू एंजॉय इट. यहां पर रीहीटेड और एंजॉय जो है ये दोनों वर्ब्स हैं और इन्हें ज्वाइन किया गया है बट से. फाइन, बट इज आवर कंजंक्शन. सो ये था हमारा टॉपिक प्रेडिकेट का. गाइज, अगर आपको इस टॉपिक में अभी भी कोई कंफ्यूजन है सो प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस तरह के जो वीडियोज हैं उनके अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें. थैंक यू.